नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग अपने करियर पाथ की इस सीरीज की दूसरी वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, इससे पहले हम करियर पाथ की पहली सीरीज में आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस में क्या अंतर होता है, कितनी कुल आईआईटी हैं आपके देश में और उसके लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे और साथ में आप सब लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हुई थी। तो आइए, मेरा नाम है दिलीप यादव और आप सभी लोगों का अपने इस स्टडी लवर दिलीप की फैमिली में स्वागत करता हूँ। इस जो है आज हम लोग एक आईआईटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस आईआईटी से मैं खुद ही वहाँ पर स्वयं पढ़ा हूँ और उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को समझा हुआ हूँ और वहाँ के माहौल को भी समझा हुआ हूँ और साथ में वहाँ की सभी व्यवस्थाओं के बारे में भी समझे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग जैसे कि जो हमारी पहली वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि हमारी एजुकेशन कहाँ से हुई है, तो हम आज बात करेंगे आईआईटी बीएचयू के बारे में। आईआईटी बीएचयू जिसकी स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है इसको संस्थापक के रूप में माना जाता है, अर्थात पंडित मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के नाम से भी बीएचयू को जाना जाता है। अब बात ये आई, सर क्या आप हमको यहाँ आईआईटी बीएचयू के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं? जी नहीं, हम आपको बताएंगे आईआईटी बीएचयू में ग्रेजुएशन अर्थात यूईटी जो अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे दो जो है कोर्सेज के बारे में। एक है बीए, दूसरा है बीएससी। और बीएससी भी जानते हैं आप दो प्रकार की होती है, एक है बीएससी एजी। तो आज हम लोग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, तो आज हम लोग तीन जो है कोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे। एक है जो है बीए, दूसरा बीएससी और तीसरा है बीएससी एजी। अब हम बीए, ध्यान रखना है बीएचयू में ऑनर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑनर्स। अब ऑनर्स क्या होते हैं सर, हमको तो पता ही नहीं है ऑनर्स क्या है। तो ऑनर्स में आप बताएं तो आपको दो सब्जेक्ट तो कंपलसरी होता है, लेकिन तीसरा सब्जेक्ट आप अपनी इच्छा के अनुसार चूज कर सकते हैं। अब मैटर यहाँ पर ये आया, सर इसका फॉर्म कब निकलता है, इसकी फॉर्म की कितनी फीस होती है और इसके एडमिशन की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और इसमें कितनी सीटें हैं। अरे रुकिए, हम बहुत ही आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताने के लिए ही बताए हुए हैं यहाँ पर। तो यदि हम बात करें बीएचयू का जो यूईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है, एप्लीकेशन जो फॉर्म आता है वो जुलाई में आ जाता है। जुलाई में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है और ये अगस्त तक चलता है। जुलाई में आता है और अगस्त तक चलता है, उसके बाद ये फॉर्म जो है समाप्त हो जाता है। बीए और बीएससी हम यूईटी अर्थात बीए बीएससी बीएससी एजी हम सबको एक साथ ही लेकर के चल रहे हैं, तो जुलाई और अगस्त में इसका फॉर्म आ जाता है। और आप लोग ध्यान रखना, इस एप्लीकेशन फॉर्म की फीस आपसे 600 रुपये ली जाती है। कितना? 600 रुपये ली जाती है। हाँ, वहीं पर एससी और एसटी के लिए 300 रुपये ही फीस ली जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म अर्थात जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो जनरल और ओबीसी के जो बच्चे होते हैं उनको 600 रुपये देना पड़ता है और जो एससी एसटी होते हैं उनको 300 रुपये देना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म जुलाई और अगस्त के बीच में आ जाता है। अब इसका जो एडमिट कार्ड आता है वो कब आता है? तो इसका एडमिट कार्ड जो है सितंबर में आ जाता है और इसका जो है एग्जाम जो होता है वो अक्टूबर में हो जाता है। और अक्टूबर के लास्ट तक में
अक्टूबर के लास्ट तक में ही क्या होता है कि जो है इसका रिजल्ट भी घोषित हो जाता है। तो आपको इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है और एडमिट कार्ड इसका कब इशू होगा और एग्ज़ाम कब होता है और ये इसका रिजल्ट कब निकलेगा। अब जब ये रिजल्ट आपका निकलता है तो उसके बाद आपको जो है उस रिजल्ट निकलने के कुछ ही दिनों के बाद आपके BHU की जो साइट है, BHU की जो साइट है उसके साइट पर जाना होता है और वहाँ पर एक स्टूडेंट पोर्टल नामक जो है कॉलम पर आपको जाना होता है। वहाँ पर आपको ऑफर लेटर में दिखता है, उस ऑफर लेटर में यदि आपको काउंसलिंग अगर आपकी मेरिट आई हुई होगी रिजल्ट से, आपको रिजल्ट तो निकालेंगे, उस रिजल्ट में यदि आप मेरिट के अंदर होंगे तो आपको काउंसलिंग के लिए एक जो है डेट निर्धारित कर देंगे। अब जब काउंसलिंग के लिए आपको एक डेट निर्धारित कर दिया जाता है, जैसे आपको बुला लिया गया 11 अक्टूबर को, जब 11 अक्टूबर को आपको बुला लिया गया है तो आप जो है उचित समय पर पहुंच जाइए, अन्यथा आप जब उचित समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो वहां पर आपके नीचे रैंक के जो बच्चे होते हैं वो वहां पर पहुंचे रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो संस्था होती है BHU के अंदर वो क्या करती है कि जो है अगर उनको 20 ही बच्चों को लेना है वो 40 रैंक तक के बच्चों को बुलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो बच्चे अनुपस्थित होंगे उनके स्थान पर जो है नीचे रैंक वाले बच्चों को हम एडमिशन दे देंगे। इसलिए जब भी आपको जिस निश्चित डेट पर बुलाया जाए उसी निश्चित डेट पर उसी समय पर आप पहुँच जाइए, इवन एक आध घंटे आप पहले ही पहुंचिए, क्योंकि BHU बहुत बड़ा जो है कॉलेज है और उसमें आपको तरह तरह के आपको बहुत सारे जो है मतलब आप अचंभा हो जाएंगे किस संस्था में हम जाएं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक घंटे आप पहले जाइए, आराम से स्थिरतापूर्वक उस हॉल में जाइए और बैठिए, आपको एक हॉल में बैठा दिया जाता है, फिर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं आपके पास उसको वो लोग मांगते हैं और मांगने के बाद आपको सबमिट कर लेते हैं। अब डॉक्यूमेंट को सबमिट कर लेना जो है वहाँ पर आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपको जब डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देंगे फिर उसी स्टूडेंट पोर्टल पर आपको वही ऑफर लेटर में ही क्या मिलेगा कि जो है एक कॉलम आ जाएगा फीस को पेमेंट करने के लिए। अब बात ही आई कि सर फीस कितनी लगती होगी, हम उसको बताएंगे फीस कितनी लगती है एक साल में, लेकिन उस स्टूडेंट पोर्टल में ऑफर लेटर में आपको फीस पेमेंट करने के लिए ऑप्शन में आ गया कि आप कितनी फीस पेमेंट कर देनी है, ध्यान रखना वो 24 घंटे के अंदर ही फीस को पेमेंट करना होता है, ये 24 घंटे के अंदर आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा और उसके स्थान पर किसी दूसरे बच्चों को एडमिशन दे दिया जाएगा। इसलिए बहुत ही केयरफुल तरीके से इस हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो आप स्टूडेंट पोर्टल पर जाएंगे तो आपको फीस पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आप फीस पेमेंट कर दीजिए और जैसे ही आप फीस पेमेंट करेंगे आपके ईमेल पर एक आ जाएगा, उसको है फीस रसीद आ जाएगी, उस फीस रसीद को निकालना पड़ेगा और निकाल कर फिर से जो है उस संस्था में ले जा करके जमा करना होगा। इस प्रकार से आपकी एक काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। अब बात यह आई सर हॉस्टल भी मिलती है, हॉस्टल में आपको हम बताएं सुविधाओं के तौर पर तो बहुत सारी सुविधाएं हॉस्टल BHU ऐसे हॉस्टल में मिलती है, जैसे आपको 4 GB पर डे वाईफाई का डाटा मिलता है, एक रूम में दो लोग रहते हैं, और उस रूम में आपको एक अलग से बेंच, हर एक लड़के के लिए बेंच और कुर्सी अलग अलग मिली रहेगी। तो अब कुर्सी और बेंच अलग अलग, उनकी अलमारियां अलग अलग, उनके सोने वाले जो है जो तख्ते होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं और हॉस्टल में मेस की भी सुविधा होती है और BHU के जो है खाने का स्वाद ही अलग है। तो अब यहाँ ध्यान समझना, इनकी फीस कितनी कितनी है हम पूछे और सीट कितनी है पहले सर ये बताइए। तो यदि हम बात करें यहाँ पर जो है BSc यहाँ पर BSc जो
एजी वाला है उसको हम पहले बताते हैं। बीएससी एजी में 500 तो है, बीएससी एजी में आप बताएंगे 765 सीटें हैं, देख लेते हैं एक बार। बीएससी एजी में सॉरी 154 सीटें हैं, कितना है 154 जो है आप लोगों के लिए जो है समझाने के लिए हम एक डाटा लिख करके आए हैं। बीएससी एजी में 154 सीटें हैं और इसको आपको जो है क्या होता है, अगर एक साल के अंदर आप इसके चार साल, बीएससी एजी चार साल की पढ़ाई होती है। अब इसमें आपको 154 सीटें होती हैं, इस 54 सीटों में जो है एक साल की जो फीस होती है आपकी वो होती है 2826 रुपये, और इसके बदले में आपको लगभग 8 या 10 हज़ार की स्कॉलरशिप जो है सरकार के द्वारा सुविधा मुहैया कराई जाती है। तो बीएससी एजी के अंदर 154 सीट और इसमें जो पैसा लगता है आपको एक साल के अंदर वो 2826 रुपये लगता है, कुछ भी नहीं है इस महंगाई में। इस जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे एक जो है नॉलेज ऑफ पैक के रूप में बहुत ही अच्छा ये जो संस्था है। अब हम बात करेंगे बीएससी जो है ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स में आपको दो कैटेगरी मिलती है, एक मिलती है सर मैथ की और एक मिलती है बायो की। बायो वालों को जियोलॉजी और बॉटनी लेना अनिवार्य है और मैथ वालों को जब ऑनर्स है ना, हमको बताया आपको दो सब्जेक्ट कंपलसरी और एक सब्जेक्ट आपको चूज करने के लिए मिलेगा। तो मैथ वालों के लिए जो है फिजिक्स और मैथ जो है कंपलसरी होता है और बायो वाले के लिए जो है जियोलॉजी और बॉटनी जो है कंफर्म होता है, ये कंपलसरी है आपको लेना ही लेना है। अब अगर हम ऑनर्स मैथ की जो है सीट की बात करें तो जो है 573 सीटें हैं ऑनर्स मैथ में, कितना 573 सीटें जो है बीएससी और मैथ ऑनर्स वालों के लिए है, और बायो वालों की अगर हम बात करें तो 383 सीटें हैं। तो 383 सीटें बीएससी ऑनर्स में बायो वालों के लिए है, वहीं अगर हम बात करें 573 सीटें जो है मैथ वालों के लिए है। अब हम बीए की भी चर्चा करें क्योंकि कुछ बच्चे बीए के लिए भी जाते हैं, इनकी हम फीस की बात करें तो जो है 3167 रुपये लगता है। बीएससी ऑनर्स की फीस 3167 रुपये है, साल भर की हम फीस बता रहे हैं, और एक सेमेस्टर में जो है आपको एक साल में दो सेमेस्टर देने होते हैं, टोटल पूरा फीस हम बता दिए आपको 3167 रुपये बीएससी ऑनर्स जो है मैथ और बायो वालों के लिए है, और बीएससी एजी वालों के लिए आपको 2826 रुपये पे करना होता है एक साल के अंदर। अब बीए वालों की अगर हम बात करें तो बीए वालों में जो है 2407 रुपये जो है एक साल की फीस है, कितना 2407 रुपये एक साल की फीस है, और वहां पर आपको जो है 765 सीटें मिलेंगी, कितना 765 सीटें मिलती हैं। इस प्रकार से आपको बीएचयू यूईटी के बारे में, बीए और बीएससी जिसमें बीएससी एजी जैसी चीज़ों के बारे में आपको जानकारियां दिया गया कि किस प्रकार से इसका फॉर्म निकलता है, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब निकलेगा, और किस प्रकार से जो है उसकी काउंसलिंग प्रक्रियाएं होती हैं। यदि इन सब से चीज़ों से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो स्टूडेंट आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसके जो है उस पर एक और वीडियो लेकर के आएंगे और आपको समझाएंगे कि और आपको क्या क्या कहाँ पर कन्फ्यूजन है। तो अब आप तैयार हो जाइए, बीएचयू जैसी संस्था में आपको घबराना नहीं है कि कैसे कैसे को करना है। यदि आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं अपनी देंगे तो हम इस पर और अच्छी तरीके से वीडियो ले लाएंगे कि जो है कहाँ कहाँ से कौन कौन सी किताबें कौन कौन से सोर्सेस से हम पढ़ें, बीएचयू में ऐसी कौन सी जो है सोर्सेस होते हैं जिससे बीएचयू के ही बच्चे वहाँ एक्चुअली कहते हैं वहाँ पर सीएचएसएल का एग्जाम होता है। सीएचएसएल का एग्जाम में क्या होता है, छह से ही बच्चे वहां पर पढ़ने मतलब एग्जाम होता है, छह से ही वहां बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वही फिर ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लेते हैं। तो हम आपको बताएंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों।